हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज सर्कुलर रिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो बेसिकली हम लोग जो पोटेंशियल फाइंड करेंगे वो इसके एक्सिस पर फाइंड करेंगे, क्योंकि अदर पॉइंट पर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और वो एग्जाम में आएगा भी नहीं। तो हम लोग सपोज एक चार्ज सर्कुलर रिंग ले लिए, यहाँ पर ये हम लोग का चार्ज सर्कुलर रिंग है और इसका कुछ रेडियस ज़ूम कर लेते हैं। फिलहाल इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं, फिलहाल सपोज ए ले लेते हैं। और हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इसके एक्सिस पर, सपोज एट ए डिस्टेंस एक्स। ये डिस्टेंस को हम लोग एक्स ले रहे हैं सेंटर से, डिस्टेंस सेंटर से हम लोग एक्स ले लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वी का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी तक तो देखिए कोई फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पता है। जो हम लोग बेसिक अभी तक डेरिवेशन करते आए हैं वो पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसी का अप्लीकेशन करना है। तो उसी का अप्लीकेशन करके डेरिवेशन अभी तक किए हैं। तो इसमें भी हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे रिंग का, यहाँ पर छोटा सा पार्ट, और हम लोग उसको एज ए पॉइंट चार्ज हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। छोटा सा पार्ट लिए रिंग का और टोटल चार्ज एज्यूम कर लेट लेट एज्यूम कर लेते हैं इसका टोटल चार्ज। लेट क्यू इज द टोटल चार्ज, ये आपको क्वेश्चन में गिवन भी रहेगा, वो टोटल नहीं भी रहेगा तो हम लोग इसको एज्यूम कर लेंगे। टोटल चार्ज ऑन द रिंग, तो ये छोटा सा जो एलिमेंट हम लोग लिए इसका चार्ज को हम लोग डी क्यू बोल देते हैं फिलहाल। अब दिस चार्ज, ये डी क्यू क्या हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया, छोटा सा पोर्शन लिए है रिंग का। अब पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस पॉइंट को यहाँ से, और ये डिस्टेंस को हम लोग फिलहाल देखिए ये ए है, ये ए है, ये एक्स है, ये वाला रेडियस ए है, ये एक्स है, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर हम लोग का जो डीवी होगा उसको पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डी क्यू, तो इसको हम लोग यहाँ पर डीवी बोल देते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डी क्यू को। तो लिख लेते हैं डीवी का एक्सप्रेशन, या फिर आप स्टेटमेंट ऐसे लैंग्वेज दे के भी बोल सकते हैं इसको, लेट डीवी इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डी क्यू। तो लोग डी वी का वैल्यू यहां से लिखेंगे, ए डी क्यू, के डी क्यू बाय डिस्टेंस कितना है, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग को टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं वी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा के डी क्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से वी का वैल्यू कितना आ गया, जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं, के बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर डी क्यू का इंटीग्रेशन। बिकॉज यहाँ पर डी क्यू छोटा सा एलिमेंट लिया है, उसका चार्ज है डी क्यू, ये तो ये वेरिएबल लगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो वी का वैल्यू आ जाएगा के और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोग का पोटेंशियल आ गया रिंग के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर, वी का वैल्यू। तो ये फॉर्मूला था, डेरिवेशन था, आता है जनरली बोर्ड एग्जाम में और काफ़ी हेल्पफुल है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस ये सब एग्जाम के लिए। तो इसको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।